छोड़ेंगे। कल की विधायक बनेगी, आज का काम घोटाले कर रहा है जो कल की बनना चाहती है। आज का विधायक काम घोटाले करके जर्मन चला गया ना, तू आज कल की विधायक बनने के सपने मत देख, मत देख। जूते मारो सालों को, जूते मारो सालों को, जूते मारो साली, दाना साई बंद करो। और भी है, आरोपियों को बचा रहे हैं, आरोपियों को बचा रहे हैं। कल का अपने विधायक को रोज बना रहे हैं, आज का विधायक काम कर रहा है। प्रेमचंद अपने काम घोटाले कर रहे, जो ये भी आ रही है, ये भी आ रही है कल के घोटाले करने के लिए। उसकी बेटी होती तो तब वो ऐसे आती बड़ी आई सब दस कर के हमको न्याय करने जा रहे हैं। मर गई थी वो कल, आज 6 दिन से कहाँ गई वो, कहाँ वहाँ चलेंगे हम। कुसुम खंडवाल का जूते मारने थे, तुमने बदला निकाले। कुसुम खंडवाल का आवाज पे चलो, तू आई क्यों? जवाब मांगते उसे, उसे जवाब मांगते, तू आई क्यों? तू उत्तराखंड की नहीं है, उसको जवाब देना नहीं, तू उत्तराखंड की नहीं है, तू ऋषिकेश की नहीं है, वो माँ नहीं है, वो माँ नहीं है, किसी की क्या नहीं है, वो किसी की माँ नहीं है, क्या दुश्मन है वो किसी की बेटी, उनकी बेटी को भेज दो उनके घर, तेरी बेटी के साथ कौन लड़ेगा, भेज दो जा, अपनी बेटी भेज दो, और की बेटी भी लाए, तेरी बेटी के साथ होगा कौन लड़ेगा। फांसी दो, फांसी दो, फांसी नहीं हमारे हवाले करो, हम काटेंगे, फांसी दो, फांसी दो, जनता न्याय करेगी, जनता न्याय करेगी, नीचे हमें ऐसा पुलिस कानून, नीचे हम तो हमारे हवाले करो, हम काटेंगे उसको, 20-20 बना के करो, मत करो, कुसुम कंडवाल गलत समर्थन मत करो, मत करो, कुसुम कंडवाल गलत समर्थन मत करो, मत करो, मत करो। कह रहे हो कि हम काम कर रहे हैं, पति में खड़े हैं, हमारे यहाँ सारे जांच को प्रभावित करने के लिए कौन लोग कर रहे हैं जांच को प्रभावित। ये सरकार का वो मंत्री थे, मंत्री थे, मंत्री का, राज्य मंत्री का अगर वो लड़का है तो जाहिर सी बात है कि हर आम आदमी सोचेगा कि सरकार के अगर मंत्री संतरी जितने मिलके ये जांच को प्रभावित करने के लिए खाली उस रिसोर्ट गए, कमरे क्यों तोड़ते हैं, उस पूरी रिसोर्ट को गिराना था, पूरी रिसोर्ट गिराते लेकिन उस कमरे को जांच के लिए रखते हैं। एक तरफ तुम SIT गठित करते हो दिखाने के लिए, दूसरी तरफ आप सबूत बढ़ाने का काम करते हो। ऐसी सरकार, झूठी सरकार, और ये नारा देने वाली सरकारें अब खत्म होगी बहुत जल्दी। अच्छा, इससे पहले भी वहाँ पर इस तरीके की घटनाएं हुई है, कुछ लोग कह रहे हैं कि आप पहले से भी हो रहा है, अभी पता चला कि इस तरीके से उसमें रिसोर्ट में घटना होती रही है। अगर इस तरीके की घटना होती रही है तो फिर सुई इन्हीं के ऊपर आती है कि दसियों साल से सरकार में बैठे हैं और इनके अधिकारी क्या कर रहे हैं। फिर अगर उसकी शिकायतें गई तो क्यों नहीं उसके ऊपर कार्रवाई करी अभी तक। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आज एक हफ्ता हो गया इस घटनाक्रम को, और जो महिला आयोग है वो 5वें दिन में यहाँ से जागने का काम कर रहा है, आज 5वां दिन हो गया। और शर्म आनी चाहिए ऐसी महिला आयोग को, शर्म आनी चाहिए ऐसी नेताओं को जो आज अपनी क्षेत्र की बेटी के लिए, आज अपनी क्षेत्र की बेटी के लिए आज सांत्वना देने आ रहे, 1 घंटे के लिए सांत्वना देने यहाँ पे आ रहे। आज पूरी जनता, पूरा उत्तराखंड इस घटना से दहल चुका है, और आप जो है कि 5 मिनट की राजनीति करने के लिए यहाँ पे आ रहे, और आप बता रहे हैं कि हमें 5वें दिन में पता चला, 21 तारीख को पता चला। सबसे शर्म की बात है आगे तो ये तमाम वो कर दिया उत्तराखंड, हमने लाठियां खाई, डंडे खाए, जेल गए। ये उत्तराखंड बनाया हमने, इसलिए बनाया कि यहाँ के नौजवान को रोजी रोटी मिले, यहाँ की माँ बहनों का भविष्य सुरक्षित रहे, ये त्रिपुरा इस MC में नौकरी मिले। बाहर से 600 लोग यहाँ भर्ती किए जा रहे हैं, मेरा पहाड़ का एक भी आदमी को भर्ती नहीं किया जा रहा, कारण क्या है इसका? यहाँ क्या क्या लड़का बुद्धिजीवी नहीं है, क्या पढ़ा लिखा नहीं है, जो जिस योग्य है उसको जिस योग्य में नौकरी दिलाई जाए, किंतु कोई नहीं है मेरे भाई लोगों। आज हमारी माँ बेटी भी सुरक्षित नहीं है, अपनी माँ बेटी को सुरक्षित करने के लिए अगर हमको शासन प्रशासन से भी टकराना पड़े, हम टकराने के लिए तैयार है, जेल जाने के लिए तैयार है, किंतु इन तीनों अभियुक्तों को जब तक फांसी नहीं होगी हम चैन से नहीं बैठेंगे। हाई ट्रैक कोर्ट में केस चलाया जाए और इनको तुरंत फांसी सजा सुनाई जाए। मैं आप लोगों को क्या बताऊं, कितना दिल दुखी है। कल भी हम लक्ष्मण जिला थाने में थे, सुबह से लेकर शाम तक बड़ा दिल दुखी हुआ।
एक बेटी के साथ जो अपने घर के आजूबाजू चलाने के लिए पढ़ी लिखी लड़की थी, उसके पिताजी ने अटक कराया और आज उस लड़की को ये दिन देखने मिले और वो लाश चार दिन से नजर नहीं आई। आज ये पांचवे छठे दिन वो गंगा जी में कैसे नजर आई, इसका मतलब कि उसको जो है कि मार के मैंने कहीं रखा था, बाद में उसको जो है कि गंगा जी में फेंका गया है। आज सुबह रात को 3 बजे तुम डोजर चला रहे हो और एक कमरा तोड़ रहे हो केवल, बाकी रिसोर्ट सुरक्षित है। क्या कारण है कि प्रशासन के दबाव में ये काम हुआ, किस शासन के दबाव में ये काम हुआ, किस अफसर के कहने पर खाली उसका कमरा छोड़ा गया, बाकी छोड़ दिया गया, और इसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। और जो पुलिस जांच कर रही है अभी उसको लेकर, पुलिस जो जो डिस्कॉर्ड मार रहा है, जो लाइट है, वही डिस्कॉर्ड मार रहा है।